एक और राज्य में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। एक मंत्री समेत बीजेपी के 10 विधायक कांग्रेस में शामिल। मोदी शाह के छूटे पसीने, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। कांग्रेस खेमे में जश्न की आंधी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बता दें, देश के सबसे छोटे राज्यों में से एक गोवा की विधानसभा के लिए चुनाव 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को होना है, लेकिन गोवा के तमाम दावेदार और विधायक नए नए दलों के साथ परपोच करके पाला बदल रहे हैं। गोवा में अब तक 10 विधायक और मंत्री पार्टियां बदल चुके हैं। सबसे तगड़ा झटका बीजेपी को लगा है, जहाँ उसके एक साथ एक मंत्री और दो विधायक कांग्रेस में चले गए। बीजेपी का ग्रामीण और क्रिश्चियन चेहरा माने जाने वाले मंत्री माइकल लोबो ने ये कहते हुए बीजेपी छोड़ दी है कि अब ग्रामीणों और क्रिश्चियन के लिए वहां जगह नहीं रही। प्रसाद गावंकर और प्रवीण जहांटे जैसे विधायक भी बीजेपी को राम राम कर चुके हैं। अब बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए फिर से कांग्रेस और कई जगहों से तोड़ने में लगी है। अब तक के खेल से इतना तो साफ हो गया है कि इस बार भी किसी को बहुमत मिलने वाला और चुनाव के बाद ये तोड़फोड़ और तेज होगी। गोवा में चुनाव के पहले और चुनाव के बाद गोवा में पाला बदलने की परंपरा बहुत पुरानी है, इसलिए यहां कोई सीएम शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाता है। इस बार का चुनाव बीजेपी के सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तो उसके पास अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर जैसा चेहरा नहीं है, दूसरा मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कद इतना नहीं बन पाया है कि वो चुनाव खींच ले जाए। इसलिए माना जा रहा है कि उनके साथ हर पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनिवार्य रूप से रखा जा रहा है। उधर ममता बनर्जी की टीएमसी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी हर रोज किसी न किसी नेता को शामिल करके माहौल बना रहे हैं। गोवा में यह पहला मौका है जब कुल मिलाकर 7 पार्टियां चुनाव मैदान में है। ऐसे में हर कोई किसी न किसी से उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन इन सब का नुकसान ये हो रहा है कि गोवा के चुनावी मुद्दे और गोवा की जनता के प्रति कमिटमेंट जैसी बातें सब नेपथ्य में चली गई है।